देख छवि में तो बल बल कृपा के बिहारे तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं शीश नवाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हम अनाथ के नाथ आप हो हम अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे हो युगद छवि पर बल बल जाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरि दास के प्यारे तुम हो श्री हरि दास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे धन हो सुंदरता पे तेरी सर्वस बारी कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगिंदारम सदा संतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि जलेन शीतलेन कर्मै पुष्पादि देवाभि वंदनम आर्थिक्यम समर्पयामि सचंद्र यद पूर्वे साध्या संति देवः पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहार्थ हेलो सभी लोग अपना आसन ग्रहण कर लें। महाराज श्री से निवेदन है कि वे अपनी अमृतमयी कथा से हम सबको कथा का आज श्रीमद् भागवत जी की पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करावें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वस्तु से गणेश स्वस्तु श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमले नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय भयं
नीलांबुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितमामभागम् आणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंसनाथुरितबलधामं हेम शैलाभदेहं ननुजमन्कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरण में वारंवार प्रणाम सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार सब द्वारन को छोड़ कर आया तेरे द्वार हे वृषभान किला भागवत महापुराण की जय वेद व्यास भगवान की जय सुखदेव महाराज की जय श्रीधाम वृंदावन की जय श्रीधाम अयोध्या सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राम। आज श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी को कथा सुनाते हुए पांचवा दिन है। प्रतिकूल स्वास्थ्य में भी ठाकुर जी कृपा करके कथा सुन रहे हैं। कल तक की कथा हम लोगों ने सुनी थी। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है तो गोकुल में भी नंदोत्सव शुरू हुआ है। यहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे। गोकुल में नंदोत्सव हो रहा है, बहुत उत्सव का माहौल है। थोड़ी देर उसका आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज
बड़ा दिव्य माहौल है। सुखदेव जी ने लिखा है, नंदस्त्वात्मत उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंद के घर में साक्षात आह्लाद का जन्म हुआ है। साक्षात भगवान आए हैं, इसलिए लिखा साक्षात आह्लाद का जन्म हुआ है। विप्रों को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है, पंडितों को बुलाया है, और नंद बाबा ने पूरा अपना खजाना खोल दिया, खूब लुटाया है। भागवत में बहुत विस्तार से चर्चा है। इतना दान दिया, इतना दान दिया कि जिसको दे दिया वो रख नहीं पाया। और आनंद माने भगवान ही तो आए हैं। श्रीरामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिखा, जब भगवान का प्राकट्य हुआ है तो दशरथ की क्या स्थिति हुई, दशरथ महाराज की जो स्थिति हुई वही यहां नंद बाबा की स्थिति हुई है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समानो। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मा नंद समानो। दशरथ
जन्म दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानु ब्रह्मानंद समाना मानु ब्रह्मानंद समाना मंगल भवनाया मंगल दशरथ अजर बिहारी मंगल अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। इस नंद महोत्सव की बहुत विस्तार से भागवत में चर्चा है। भगवान ही आए हैं तो वहां आनंद की अब किस तरह की वर्षा हुई है, और यही वो ब्रज भूमि है, यही मैं सोचता हूं। और कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं उस धरती पर हूं जहां भगवान अवतरित हुए और जहां भगवान ने अनेक लीलाएं की। उस पवित्र ब्रज भूमि में आज मैं उसी ठाकुर जी को उन्हीं की कथा सुना रहा हूं। बहुत आनंद हुआ है। नंद जी को चिंता हुई है, कंस का कर चुकाना है, इसलिए अन्य गोपालों को वहां के लोगों को ग्वाल वालों को गोपालों को भगवान की सुरक्षा में नियुक्त करके और मथुरा कंस को कर देने के लिए जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरुप्य मथुरा मथुरा गए हैं। वसुदेव जी से मुलाकात हुई है। वसुदेव जी ने उनको कहा है कि आप जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी आप वृंदावन लौटिए। लेकिन उनके वृंदावन लौटने के पहले पूतना गई कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बातिनी शिशुंच चार निघ्नंती पुरग्राम ब्रजा ऐसा सुंदर रूप बनाया है मानो साक्षात लक्ष्मी हो। गोप्या श्रियं दृष्टु मिवागताम पतिम इतना सुंदर रूप बनाया है। मैं हमेशा एक चीज निवेदन करते रहता हूं कि बाहरी आवरण से बाहरी कलेवर से फॉर्म से किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, उसकी पहचान नहीं हो सकती। बाहर से तो बहुत ही दिव्य रूप है पूतना का, विश्व सुंदरी लग रही है, साक्षात लक्ष्मी लग रही है, ये उसका बाहरी आवरण है, ये उसकी आउटर पर्सनालिटी है, ये उसका कलेवर है बाहर का, ये उसका फॉर्म है, लेकिन उसका कंटेंट क्या है? अंतःकरण चतुष्टय।
वह पूतना बाल घाटिनी। बच्चों की हत्या करके उनका रक्तपान करती है। दैत्य है, राक्षस है, हिंसक वृत्ति की है, घोर तमोगुणी वृत्ति की है। राक्षस ही है तो तमोगुणी वृत्ति, तमोगुण की प्राधान्यता होगी ही, लेकिन ऊपर से देखने में देवी की तरह लगती है। गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं तो बहुत उसमें रस घोलते हुए किस तरह पहुंची है, किस तरह यशोदा मैया संवाद किया है। क्या रे बहन, हमको खबर भी नहीं किया, इधर लाला हो गए। यशोदा मैया बहुत कंफ्यूज्ड है। देखो, बाहर के आवरण पर जब दृष्टि रहेगी, जब फॉर्म देखोगे, जब बाहरी कलेवर देखोगे, जब कंटेंट नहीं देखोगे, जब अंतःकरण चतुष्टय नहीं देखोगे, जब तक वहां तक दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक बराबर धोखा होता रहेगा। मैया ने देखा अच्छे घर की लगती है, कहीं दूर की रिश्तेदार ही रही होगी, अब अच्छा नहीं लगता। इतनी नजदीकी, इतनी आत्मीयता से बात कर रही है तो मैं ये कैसे कहूं कि मैं पहचानती नहीं हूं। मैया ने कहा वो सब ठीक है, अब जाओ लाला का दर्शन कर लो, और पहुंच गई। अब यहां जैसे भगवान ने देखा पूतना को, पूतना ने देखा भगवान को, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि विविध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमीक्षणं अनन्तमायोपयनमन्ततकं यतोरगं सोऽतमो प्रज्योति। विद्वानों ने इस पर बहुत बहुत बड़े बड़े भाव दिए हैं कि आखिर पूतना को देख करके भगवान ने आंखें क्यों बंद कर। अनेक संतों ने, अनेक सिद्धों ने, विद्वानों ने अनेक तरह के भाव इस पर दिए हैं। तो एक भाव तो यह भी है कि इसका अंतःकरण, इसकी चित्त वृत्ति शुद्ध नहीं है, छल है, कपट है, और ऐसे जीव मुझे पसंद नहीं है। तुलसीदास ने लिखा है ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेरे न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेरे न भावा। संतों ने अपने अपने चेतना के स्तर से अनेक भावों को प्रकट किया है, जिसका विस्तार से वर्णन यहां संभव नहीं है। एक भाव यह भी है कि आंखें बंद करके भगवान भोले बाबा को याद करने लगे, क्योंकि स्तन में जहर मिला करके आई थी। तो भगवान ने कहा, महाराज ये जहर पीने का काम तो आप ही का है। समुद्र मंथन से भी जब जहर निकला तो आपने ही ये विश्वान किया था, और आज जब ये पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके आई हमको मारने की नियत से, तो ये जहर पीने का काम आप ही का है। तो जो शैव हैं, शिव के भक्त हैं, उनका मूलतः यह भाव है कि भगवान ने शिव बाबा को याद किया कि बाबा अब आओ और ये काम आप ही संपन्न कर। ये भी एक भाव है।
देखो एक और भी बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान ने सोचा वो एक लाइन में बार बार गा देता हूं, मुझे इतना प्यारा वो गीत लगता है कि तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी। वन का लीला की तो शुरुआत ही हो रही है, कहीं मैंने इसकी आंखों में देख लिया, पूरा ठीक से देख लिया आंख खोल करके, और इसने भी मुझे देख लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको मुझसे प्यार हो जाए। आई थी तो उधार करने के लिए, आई थी जहर पिला करके और मेरा ही वध करने के लिए आई थी, और इसको कहीं मैं देख दूं, मेरी आंखें इसको कहीं मुझसे प्यार प्रेम ना हो जाए, तो ये जहर पिलाने का भाव ही इसका बदल जाए तो लीला ही यहां बाधित हो जाएगी, इसको गति देनी है। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किन आंखों से आंखें मिलेंगी, न इसके भाव हृदय में प्रेम का जगेगा, न लीला बाधित होगी, लेकिन सन्मुख तो हो गई थी, सन्मुख हुई जीव मोहि जमनी, सन्मुख हुई जन्म कोई ये भी भाव। तब जब सन्मुख हो गई थी तो ठाकुर जी की अपनी घोषणा है कि मैं करोड़ों जन्मों का भी पाप हो तो उस पाप को नष्ट कर देता हूं, पाप समाप्त कर देता हूं। तो जैसे ही पूतना ठाकुर जी के सन्मुख हुई तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए और गोकुल वैकुंठ में जाने की सामर्थ्य मतलब अधिकार हो गया उसको वैकुंठ जाने का। ठाकुर जी को स्तन परानपान भी कराने लगी और ठाकुर जी ने जब उनके उसके प्राणों को पीना शुरू किया तो सामुच्य मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीयमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रसीन गात्र लेकिन ठाकुर जी की तो यही महिमा है, जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते कहां है, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन ठाकुर जी ने उसका कल्याण कर दिया और सुखदेव महाराज कहते हैं जब पृथ्वी पर वो धड़ाम से गिरी है तो पत्मानो पितदेह स्त्री गभ्युत्यंतर्धमान चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तत्तम। पूरे ब्रजमंडल में शोर हो गया
हंगामा मच गया। ग्वाल बाल गोपाल सारी ग्वालिने सब दौड़ी हैं, क्या हुआ क्या हुआ। ठाकुर जी उसकी छाती पर बैठ करके आनंद कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। सीढ़ी लगा करके चढ़ करके ग्वाल बालों ने ठाकुर जी को उतारा है और गोमूत्रेण स्नापयित्वा, जो भी इस तरह की कोई स्थिति आती है तो ठाकुर जी को गोमूत्र से यशोदा मैया स्नान कराती हैं, पंचगव्य का पालन कराती हैं, गाय के पूछे से झाड़ा लगाती हैं। और ब्रज में तो हमने सुना है एक बड़ा मधुर गीत गाते हैं कि कौन तियो मर दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन तियो मर दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन तियो मर दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। ऐसे नहीं गाते हैं, ऐसे गाते हैं कि कौन तियो मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन तियो मार दियो री टोना मेरो। मेरी तबीयत ठीक है नहीं तो मैं गाकर बताता। हृदय से देखो, गाना के लिए गाना गाओगे तो मजा नहीं है। बाल रूप में ठाकुर जी को मचलते हुए देखो, उनका ध्यान करो और तब यहां से गाओ, तब वो आनंद आएगा। हम गाने के लिए नहीं गाते, हम तो ठाकुर जी का ध्यान करते हैं, आनंद करने के लिए गाते हैं, और पूरा गाते भी नहीं। जितना में रस टपक जाए उतना गा करके छोड़ देते हैं कि कौन तियो मर दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन तियो मर दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन तियो मर दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। देखो सगुण साकार ब्रह्म का जो प्रेम है, आनंद है, उसके कई स्तर हैं। मैंने एक दिन निवेदन किया था, शांत भाव का प्रेम, दास भाव का प्रेम, सख्य भाव का प्रेम, वात्सल्य भाव का प्रेम, ये वात्सल्य भाव का प्रेम नंद मैया का और यशोदा बाबा का। आप इस लीला को भागवत में पढ़िए, श्रीमद् भागवत में एक एक श्लोक में समाधि लग लेना एक स्थिति हो जाती। पग बिन चले सुने बुनिकाना, वो ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वो सगुण साकार रूप में एक बालक के रूप में प्रकट होकर के आज यशोदा मैया के आंगन में ठुमके लगा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। माखन की चोरी घर घर में जाकर के कर रहा है, मैया उसको बांध भी देती है, उसकी कान भी उमेट देती है, छड़ी लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ती है। जब तक चित्तवृत्ति की पूरी शुद्धि नहीं होगी और
मैं समझता हूं इस रस में, इस आनंद में प्रवेश ही नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। सर्दी हो जाए ना, खांसी हो जाए ना, मैया गाय के पूछ से झाड़ा लगाती है, पंडितों को ब्राह्मणों को बुला करके मंत्रोच्चारण करवाती है, आज तो इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूतना राक्षसी आई, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, ये लीला उस समय किसी को समझ में नहीं आई। कहते हैं नंद बाबा पहुंचे हैं, ग्वाल वालों को बुलाया है, कुल्हाड़ी से उसके अंग अंग कटवाए हैं, उसको आग लगवाया है, लेकिन जब जलने लगा शरीर उसका तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ। सुखदेव जी ने लिखा उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई। सुखदेव जी लिखते हैं कि राजन, कहते हैं राजन ये ठाकुर कितना कृपालु है, तुम खुद विचार करो कि पूतना है जिसका न नाम अच्छा है, न काम अच्छा है, न जात अच्छी है, न कुल अच्छा है, न स्वभाव अच्छा है, न संस्कार अच्छा है, पूतना लोकवाल राक्षसी रुधिरा। और उसका स्वभाव नहीं, उसकी नियत भी देखो, इंटेंशन। वही एक दिन हम अयोध्या में अभ्यास के दौरान हम चित्रदंडे स्वामी आचार्य गोपालाचार्य जी महाराज थे, उनको मैंने सुनाया तो बड़ा हंस रहे थे, और हमारे गुरुजी जो बैठे हैं यहाँ ये भी बहुत आनंद ले रहे थे। हमने कहा देखो भारतीय दंड विभाग जो आईपीसी है उसमें किसी की हत्या करने की योजना बनाना अपराध नहीं है, उस पर कोई धारा नहीं लगेगी। किसी की हत्या करने की नियत रखना, इंटेंशन टू किल इज नो क्राइम, प्रिपरेशन टू किल नो क्राइम, माने किसी की हत्या करने की अगर नियत रखते हैं तो वो अपराध नहीं है, उस हत्या के लिए तैयारी करते हैं तब भी अपराध नहीं है, लेकिन जब हमने अटेम्प्ट ले लिया, प्रयास कर लिया, तो दफा 307 अगर असफल हो गए तो 307, सफल हो गए तो 302। तो पूतना ने यहां भारतीय दंड विधान जो आज के युग में चाल लागू है उसके हिसाब से पूतना ने भारतीय दंड विधान के 307 धारा के तहत अपराध किया है, अटेम्प्ट टू किल। महाराज आज इस युग में अगर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करे तो कम से कम उसको 10 साल की सजा होती है, और वैसे व्यक्ति को, वैसे जीव को जिसने भगवान की अकारण हत्या करने की कोशिश की, तो ठाकुर जी ने 307 के अपराधी को बैकुंठ दे दिया। बोलिए ठाकुर छोड़ो, ऐसा कौन ठाकुर होगा। और यही भगवान का स्वभाव सुनकर सुखदेव जी का ब्रह्मानंद हल्का पड़ गया था, और सगुण साकार ब्रह्म का आनंद भारी पड़ गया था। अहो बकियम सया पाय यदाप्यसा।
लेभे गतिम धाच चिताम ततो तम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अच्छा देखो, यही परसेप्शन की बात हम कर रहे थे। लोक में व्यवहार में तीन तरह के लोग, तीनों का परसेप्शन, हमारा हर एक्शन, हमारा हर रिएक्शन और हमारा हर रिस्पांस हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है। कहीं भी द वे वी परसीव अकॉर्डिंगली वी रिएक्ट, अकॉर्डिंगली वी एक्ट, अकॉर्डिंगली वी रिस्पॉन्ड। सो आवर एक्शन, रिएक्शन और रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन। जैसे हम परसीव करेंगे उसके अनुसार आचरण करेंगे। तमोगुणी रजोगुणी आदमी के परसेप्शन में प्रतिशोध है स्वभावतः। तमोगुण में जो स्थित है और जो रजोगुणी चेतना का व्यक्ति है, उसके स्वभाव में, उसकी चेतना में प्रतिशोध है। वो क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण का एक पार्ट है, अपरिहार्य अंग है होगा। लेकिन सतोगुण में ये प्रतिशोध नहीं रहता। जो साधु हो गया तो जो संत है, और जो ईश्वर तो ईश्वर ही है, लेकिन संत में उसका परसेप्शन अलग होता है, इसलिए उसमें ये प्रतिशोध का भाव नहीं होता। तुलसीदास जी से कहा, महाराज आपको काशी में यहां के ब्राह्मण इतना परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान किया था, बहुत दुख दिया था, तो आपको तकलीफ नहीं होती, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको क्रोध नहीं आता? तो तुलसीदास ने बड़ा मधुर जवाब दिया था। देखो पहले आता था, अब नहीं आता। तो लोगों ने पूछा, महाराज क्यों नहीं आता? तो उन्होंने कहा, अब ऐसा है कि जिसको मैं देखता हूं, या कि वो दुष्ट हो कि पापी हो, कि दिव्यात्मा हो, विमलात्मा हो या पापात्मा हो, कोई भी जिसको मैं देखता हूं उसके अंदर हमारे ठाकुर जी भी बैठे नजर आते हैं। तो हमें अब क्या करूं, हमारे ये रोग हो गया। किसी ये राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जोग पाए। सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग सब प्रणाम। ईश्वर के दंड देने का, ईश्वर के पुरस्कार देने का अलग विज्ञान है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। पुतना को गति हो गई, शिशुपाल को गति हो गई, और एक से एक पापियों को, एक से असुरों को, एक से हिरण्यकश्यप की गति भी हो गई, हिरण्याक्ष की गति हो गई। नंद बाबा को महाराज जब पता चला है कि ऐसे ऐसे हुआ, अब उनका परसेप्शन अलग है साधु का। वो कहते हैं, अरे ये कैसे लाला बच गयो, ये कैसे इसके प्राण की रक्षा हो गई, इतनी बड़ी राक्षसी उसके ऊपर ये लाला की जान कैसे बची? तो नंद बाबा बड़े आनंद से कहते हैं,
कि ये सब मेरे भजन की चमत्कार, मेरे भजन का चमत्कार है ये सब। सुखदेव जी ने ये पूतना बद्ध नहीं कहा है, पूतना की पर्सनालिटी पर अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। लोक बाग पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, बच्चों को मारती है, राक्षसी है, रुधिर का भक्षण करती है, जिंघासया पिहरे, उसको भगवान ने गति दी। सुखदेव जी ने इसको कहा है यह सतत पूतना मोक्षम, इसको पूतना मोक्ष कहा है। आगे की कथा है सकट भंजन, करवट लिए हैं, करवट का महोत्सव हुआ है, ग्वालिनें आई हैं, बधाई गाई जा रही है, घर में पूरे शोर सभा उत्सव का माहौल है। मैया ले जा करके एक सकट के नीचे ठाकुर जी को के पालने को टांग देती है। बहुत सरल और बहुत सरस ढंग से गुरु जी इस कथा को कहते हैं। भगवान जी कहते हैं हमारा ही उत्सव और हमारा ही बहिष्कार, हमको कोई देखने वाला नहीं, अलग कर दिया। ठाकुर जी ने अपने पैरों से ठोकर मारी और सकट पाकर बैठे हुए सकटक सुर का काम तमाम हो गया। फिर तृणावर्त उधार की कथा आई है, एक दारो हमारूढ़ लालयंती सुतम सती तृणावर्त आया, भगवान को उड़ा करके ले गया और भगवान ने तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयम करालम पुरम यथा रुद्र सरेण विधम इस बार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। इधर वासुदेव जी को बहुत चिंता हो रही है कि अब नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए भगवान का। उन्होंने गर्गाचार्य जी से परामर्श किया है, गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया है, आप यहां से गोकुल जाइए और गर्गाचार्य महाराज वासुदेव जी से प्रेरित होकर के और आए हैं। नामकरण संस्कार बहुत गोपनीय ढंग से हुआ है गोशाला के अंदर, क्योंकि कंस का डर था। वासुदेव गर्गाचार्य जी आकर नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा ने अपने पुत्रों का कुशल क्षेम भविष्य पूछा, भविष्य। गर्गाचार्य ने कहा कि उनका नाम बताओ, नामकरण नहीं हुआ है, तो बाबा नामकरण आप ही कर दो। गर्गाचार्य ने बताया मेरे नामकरण करने से तो फिर कंस को संदेह हो जाएगा, तो बहुत गोपनीय ढंग से इसकी व्यवस्था की गई है। यहां एक भजन गाते हैं, अरे सदा मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दया
दयालु दया करो कृपालु कृपा करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया के खोलो द्वारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे अपनी दया पूर्ण हो सबका दयालु दया करो तेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा दयालु दया करो महाराज ये नामकरण संस्कार हुआ है यशोदा ने बलराम को लिया है रोहिणी माता ने श्री कृष्ण को लिया है देखते ही गर्गाचार्य महाराज पहचान गए और देखते ही उन्होंने कहा आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुरदो गुणै आख्यास्यते रामैते बलाधिक्यात् बलम् विदुः तो इसका नाम राम होगा बलराम होगा बल के आधिक्य के कारण लेकिन जब भगवान को देखा श्री कृष्ण जी को देखा तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई समाधि लग गई तो मैया लोग डर गए गुरु जी कह रहे हैं कहते हैं कि मैया लोग कहती है कि बाबा न लटके न झटके न मटके न हिलाए न डोलाए कि बाबा को क्या हो गया कहीं मर गए कहीं कुछ हो गया तो बड़ा अपन को कलंक हो जाएगा समाधि में कहां लटकना झटकना हिलना डुलना होता है समाधि लग गई हिला डुला करके माताओं ने उनको होश में लाया बाबा कुछ तो बोलो तो बोले बहूनि संति नामानि रूपाणि चिंतस्यते इसके बहुत नाम है अनेक अनेक नाम अनेक रूप है बहूनि संति नामानि रूपाणि सुतस्यते गुणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेदनो महाराज और कुछ बताओ ब्रजे बसंतम नवनीत चोरणम् गोपांगनाम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरागन्यम पुरुषम नमः नरगाचार्य की बात कितनी माताओं को समझ में आई कितनी नहीं आई लेकिन गर्गाचार्य करें देवियों ये
छोटे वाले का बहुत, इसके बहुत रूप है, इसके बहुत नाम है, ये तो चोरी भी करेगा, चोर भी होगा। नवनीत चोरम गोपांगनाचरम। और सबसे बड़ी बात कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरा जगन्यम पुरुषम करें। साक्षात ये भगवान ही है, ब्रह्मी है, अनेक जन्मों के। वो तो बार बार हम दुराते सन्मुख जीव महाराज। भगवान इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ है, धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन मैया ने वो पूरी तरह से नहलाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, माथ पर चंदन लगाया, चोटी भी बांध दी है, टीके भी कर दिए हैं, काजल भी कर दिया है, बहुत अच्छे से भगवान को सजा करके रखा। थोड़ा सा मौका मिलते ही, थोड़ा सा अवसर मिलते ही देहरी के पार और जा करके गोशाला में जा करके शरीर, पूरे शरीर में गोमूत्र लपेट लिया, गाय का गोबर लपेट लिया, मिट्टी लपेट लिया। और माँ ने जब देखा, कहा कि अरे तू पहले जन्म का सुअर है क्या? तुम सु करो सी गति जन्म निपुतनारे। भगवान मन में मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैया ने ठीक पहचाना, पहले तो मैं सुअर ही था। बोलिए श्री बाल चंद्र श्री कृष्ण सरकार की। धीरे धीरे ठाकुर जी हमको बोलने लायक बना रहे हैं। अभी तक तो मैं एक तरह से होश ही में नहीं था, इतनी स्वस्थता थी। ये माखन चोरी की लीला में जब हम प्रवेश करेंगे तो मेरा एक ही अनुरोध है कि ये अत्यंत ही मधुर लीला है, तो पहले अपने मन को खूंटी पर टांग दें और बुद्धि से नहीं, हृदय के कपाट को खोल करके इस माखन चोरी की लीला को सुने, बहुत आनंद आएगा। और बुद्धि और तर्को प्रदिष्ठ सुतय विभिन्न नई कर्म निर्जस्य वचः प्रमाण। अब तर्क की रसभंग हो जाता है तर्क से। विद्या अविद्या न तु ब्रह्म विद्या जासाम अधीनाम सकलम जगत मिनमम न लभ्यते तर्केण सह बुद्ध्या विश्वास युक्तो श्रद्धया समाचर। तो ये श्रद्धा और विश्वास से सुनने का है, बुद्धि को खूंटी पर टांग करके कि विद्या अविद्या न तु ब्रह्म विद्या यशमदीनं सकलं जगद्मिदं न लभ्यते तर्केण सह बुद्ध्या विश्वासयुक्तो श्रद्धया समाचर। थोड़ी देर ये माखन लीला में चित्त को सराबोर हम लोग करते हैं, आनंद लेते हैं। ये गोपियां कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब रसिक हैं, कथा सुनते रहते हैं, ये मालूम है। ये वेद की ऋचाएं भी गोपियां हैं, आप मालूम है। मिथिला और दंडकारण्य के संत भी गोपी बन और चोरी कर करके मुंह पूछ पूछ करके खाए और मटकी फोड़े, तब मजा, तब आनंद आए। गोपी के मन में ये भाव जैसे आया, अरे तो उस समय तुम कहां रहोगी? हम, मैं तो छिपी रहूंगी। अरे कहां छिपी रहोगी? तो बैठे जाई मथनिया के धिक, मैं तब रहूं छुपानी। असुर दास प्रभु अंतर जामी,
ग्वालिनी मन की जानी गोपी के मन में भाव उठा मेरे घर में ये ठाकुर आता ये नन्हो नन्हो ठाकुर मेरे घर में आता माखन चोरी करता खाता मटकी फोड़ता मैं छुप कर देखती मैं आनंद लेती और ठाकुर ने सूरदास प्रभु अंतर जाने ग्वालिन मन की जानी ठाकुर ने शुरू कर दिया ये काम उसकी इच्छा पूरा करने के लिए चोरी करते हैं माखन खाते हैं मटकी फोड़ते हैं तब तो धीरे धीरे ब्रज घर घर प्रगटी यह बात ब्रज घर घर प्रगटी यह बात कौन सी बात कि दधि माखन चोरी कर ले हरी ग्वाल सखा संग खा जब घर घर में ब्रज में ये बात पहुंच गई कि किस तरह से चोरी कर करके बाल सखाओं के साथ घर घर जा करके गोपियों के यहां और चोरी कर करके मक्खन और खा रहे हैं ठाकुर जी तो जितनी गोपियां ब्रज के हैं ब्रज की सारी गोपियों के हृदय में ये भाव आया कि हमारे यहां भी ठाकुर आते और ऐसे ही मक्खन की चोरी करके खाते तो ये जो माखन चोरी है ये अस्तेय जोग है। अब ठाकुर जी घर घर चोरी का आनंद दे रहे हैं। अब कुछ दिन जब बीत जाता है तो गोपियां चिंतित भी हो जाती हैं। अगर किसी गोपी के घर कई दिनों से नहीं गए तो गोपी को चिंता होने लगती है। एक दिन दर्शन के बहाने उलाहना लेकर के सारी गोपियां जो सुधा मैया के पास आती हैं यहां एक बड़ा सुंदर भजन हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूं नठ खट की गगरिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी अरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूं नठ खट की गगरिया फोड़ दी मेरी गगरिया छलिया ने काना ने मटकिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी की
वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः स स्तेयम् स्वादवत्यद्यद्पयः कल्पिते योगै मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नति भान्ति भाण्डम् भिनत्ते दम्यालालेश गृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो आकर के गोपियां शिकायत कर रही हैं। हृदय में तो इच्छा ठाकुर को देखने की है, आनंद लेने की है, लेकिन यशोदा मैया से आकर के शिकायत करती हैं, ये मैया ये तुम्हारा लाला इतनी परेशानी उत्पन्न करता है, इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है कि हम लोग इसकी शरारत से बिल्कुल परेशान हैं, तंग आ गए हैं, क्या करता है। अरे ये नहीं पूछो मैया, ये क्या नहीं करता है, ये हम लोगों के घर में जाता है, मटकी खाता, मक्खन खाता है, अकेले नहीं खाता है, ग्वाल वालों को ले करके जाता है, सबको खिलाता है, बंदरों को भी बुला लेता है, उनको भी खिलाता है, मटकी भी फोड़ देता है। और मैया इतना ही नहीं, हमारी गैया को और बछड़ों को असमय खोल देता है, दूध दूहने के समय नहीं, जब इसकी इच्छा होती है, जब इसकी मर्जी होती है, ये बछड़ों को छोड़ देता है, गैया का सारा दूध बछड़े पी जाते हैं, ये बहुत परेशान करता है, इसको मैया डांटो। अरे माखन चोरी की शिकायत करती हो तो जो सदा कहती है, देखो इसको खिला दो, जो खाना चाहता है इसको खिला दो और मुझसे ले लेना। तो गोपिया कहती है, अरे मैया ऐसी की बात क्यों करती हो, क्या लाला खाएगा वो माखन तुमसे हम मांगेंगे। तब यशोदा कहती है, तब शिकायत क्यों करती हो। गोपिया कहती है, मैया हम इससे कहते हैं तू मांग कर खा ले, जितना चाहिए उतना मांग ले, लेकिन ये कहता है कि हम भिखारी हैं, क्या कि तुमसे मांग कर खाएंगे। मैया कहती है, देखो ये लाला तो बहुत छोटो है, तू छीके पर अपना लटका के रख दो। मैया ये छींके पर लटकाने पर भी मक्खन बचाना इस हमारे बस की बात नहीं, क्यों क्या करता है, क्योंकि अपने चौर मंडली के साथ जाता है, अपने बालकों के अपने दोस्तों के साथ जाता है, एक के कंधे पर एक, उसके कंधे पर एक, और सबसे ऊपर ये चढ़ जाता है और वहां से जाकर के मक्खन खाता है, खिलाता है, बंदरों को भी बुला करके खिलाता है और मटकी भी फोड़ देता है। मैया को तो भीतर से आनंद आ रहा है, लेकिन ऊपर से क्रोध दिखा, क्यों रे कन्हैया तू इतने उपद्रव क्यों करता है। कन्हैया रोने से सूरत बना लेते हैं, ठाकुर जी रोने की सूरत बना लेते हैं और गोपियों को धीरे से आंख से धमकी भी देते हैं, अच्छा ठीक है तुमको देख लूंगा। मैया को भीतर से आनंद भी आ रहा है। एक गोपी बोलती है, अरे मैया देखो एक दिन मेरे घर पूरी बारात लेकर के पहुंच गया, पूरी बाल मंडली लेकर के पहुंच गया, आया खाया खिलाया, बंदरों को भी खिलाया, मटकी भी। मैया ने कहा, ये सुनते सुनते तो परेशान हो गई हूं, लाला है छोटा है, हवा से डरा दो। तो गोपी ने अपनी आप बीती सुनाई, ये हवा से डरने वाला नहीं है, मेरे घर गया, मेरी बिटिया की चोटी को खाटी से बांध करके और उसके कान में बोल दिया हवा। बेटी डर करके चिल्ला करके खड़ी हुई, तो मैंने भागते हुए उसको देख लिया। गुरुजी बोलते हैं, बड़ा आनंद मैयो ये बड़ा शरारती है। मैया ने कहा, इसको रेड हैंड पकड़ करके दिखाओ, रेड हैंड पकड़ करके लाओ। तो कन्हैया तो बराबर कहते ही रहते हैं ना कि मैया रे मैं नहीं माखन खाया, जो शिकायत करता है सबको झूठू बता देते हैं, ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, और सूरदास तब
बिहसी यशोदा लय उर कंठ लगायो कन्हैया तू नहीं माखन आयो। ये भगवान की मधुर लीला है। मैंने जसोदा में ये कर्म चूर्ण एक हुए हैं भक्त वृंदावन के महाराज, उनका एक भाव है कि जसोदा मैया को ये चोरी की शिकायत जो रोज रोज आती है तो ये ठाकुर कैसे चोरी करते हैं ये देखने की इच्छा हो गई। तो सुन्ने चोर यतम स्वम निज गृहे वै अंगवीनम, कि मैं भी जरा देखती कि ये हमारा लाला ये कैसे चोरी करता है। तो मैया के मन की बात भी ठाकुर को पता चल गई। तो ठाकुर ने कहा, अच्छा मैया अब तेरे मन में ये चोरी देखने की इच्छा जागृत हो ही गई तो हम तुमको भी कैसे चोरी करते हैं, चोरी करके कैसे माखन खाते हैं, मतलब माखन चोरी लीला का आनंद आज हम तुमको भी दे ही देते हैं। एक दिन ठाकुर जी घर में घुस करके और चोरी से माखन खाने लगे। हाथ में सोने का कंगन है, उस पर मणि लगी हुई है और मटके में हाथ डाल डाल के ठाकुर जी चोरी करके माखन खा रहे हैं। अपने घर में चोरी करने की जरूरत क्या थी। और मैया ने देखा है, कृष्ण क्वासी करोस कृष्ण किम पितुरति, तीन बार बोला, अरे क्या कर रहा है कृष्ण, क्या कर रहा है कृष्ण, क्या कर रहा है कृष्ण, मेरे बाप क्या कर रहे हो। सुतैव मातुर्वचः मातः कंकड़ पद्म परागम स पाणिर्मताप्यते निनाय नवनीतवान् विवरहि पाणिः निवापितः। अरे कन्हैया तू कर क्या रहा है, तू अंधेरे कमरे में जा करके क्या कर रहा है। कन्हैया कुछ नहीं माई, ये कंगन है ना, इसमें लहर आ गई थी, जल रहा था, इसमें मणि है। तो बस इसको ठंडा करने के लिए मैंने ये मक्खन की मटकी में अपना हाथ डाल दिया। अच्छा फिर मुंह में मक्खन कैसे लग गया। तो मैया मुंह में ये भौंरे मंडरा रहे थे ना, तो भौंरों को मारने के लिए हटाने के लिए मैंने हाथ किया तो यहां मक्खन लग गया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन ये भौरों को हटाने से मुंह लग गया तो भौरा कहां से आ गए भाई यहां। तो ठाकुर जी का मुंह तो कमल का है और कमल पर भौरे रहते ही है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पल कंजारू, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पल कंजारू। ये भक्तों के अलग अलग भाव हैं। मृतका भक्षण लीला भी हुई है। नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे।
मिट्टी खाली, शिकायत हुई। दाऊ जी ने भी बोला कि खाता है, मिट्टी खाया है। मैया ने कहा मिट्टी खाया है? भगवान ने खुद ही कहा खोल के, तू खुद ही मुंह खोल लेता हूं देख ले। और मैया ने क्या देखा मुंह खोलने के बाद, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। रामचरितमानस में देखी लिया, स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, जगत पिता ठाकुर जी ने जब पूरे ब्रह्मांड का अपने मुख में दर्शन कराया तो मैया आश्चर्यचकित रह गई। मैया को लगा कि मैं क्या देख रहा हूं, तो रसभंग न हो जाए, लीला आगे बाधित न हो जाए, इसलिए जोग माया के प्रभाव से मैया को पुनः यथावत स्थिति में ला दिया। और मैया को लगा सब सामान्य ही बात है। एक दिन दीपावली को मैया स्वयं मक्खन निकाल रही हैं अपने लाला को खिलाने के लिए। बड़ा सुंदर वर्णन है, एकदा गृहदासी सूज सुदानंद गई कर्मा तरने निर्मम स्वयं दधी यानी जानी हगीतानी तद बाल चरिता दधि निर्मंथन काले स्मरन्ति प्राण गाय। देखिए हम आज इस श्लोक की व्याख्या करने की स्थिति में नहीं है, नहीं तो इसकी बड़ी अद्भुत व्याख्या है। ये मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से भगवान की भक्ति में मैया लीन, मन से चिंतन कर रही हैं ठाकुर का, वाणी से गीत गा रही हैं ठाकुर का, और हाथ से मक्खन निकाल रही हैं ठाकुर के लिए। देखो कोई भक्ति हो, मैं बार बार निर्णय करता हूं कि भक्ति हो या कोई भी कर्म हो, उसका कर्ता मन है, मन से ही भक्ति हो। बाकी इंद्रियाएं तो मन के आदेश का पालन करती है, और मन अगर नियंत्रण में है तो सारी इंद्रियां आपके नियंत्रण में है। जिस इंद्रिय को जिस काम में जहां लगा दोगे वहां वो लगी रहेंगी, और मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो फिर इंद्रियां भी नियंत्रण में नहीं है। वात्सल्य भाव कि बहुत ऊंचे स्तर की भक्त हैं यशोदा मैया। मनसा वाचा कर्मणा, इस एक श्लोक में सुखदेव जी ने बहुत सार निचोड़ करके रख दिया है किस तरह से यशोदा मैया मनसा वाचा कर्मणा साधना में लगी हुई है, और साधना सफल हो गई। मन वाणी और कर्म, देखो साधु और असाधु में यही फर्क है। मन में, वचन में और कर्म में जितनी दूरी है उतना ही वो व्यक्ति असाधु है, और दूरी जैसे घटते 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 जितनी कम हो जाए उतना बड़ा चरित्र हो जाता है, उतना बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है, उतना बड़ा साधु हो जाता है। और श्री साधु वही है जिसके बोलने में, कहने में और करने में, मनसा माने वाणी में और व्यवहार में और चिंतन में एकदम दूरी समाप्त हो गई तो समझो व्यक्ति बिल्कुल सरल हो गया, संत हो गया, साधु हो गया, पूर्ण उसकी चित्तवृत्ति का
निरोध हो गया, चित्त वृत्ति पूरी तरह से सीधी हो, मतलब शुद्ध हो गई। बिना चित्त वृत्ति पूरी तरह से शुद्ध हुए मन के वचन की और वाणी की ये दूरी ये समाप्त नहीं होती। मैया मनसा वाचा कर्मणा ठाकुर जी की भक्ति में लीन है, क्योंकि एकदा गृहदासी सुजसुनानंदगे कर्मातर नियुक्तासु निर्मवन्नं स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्वालचरितानि दधि निर्मन् थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। चिंतन वही हो रहा है, वाणी से भजन भी वही हो रहा है, शरीर के इंद्रियों से कर्म वही हो रहा है, तो ये भक्ति सिद्ध हो गई, भगवान प्रकट हो गए, ठाकुर जी ने आकर के बांह पकड़ लिया। माया बंद कर, तेरी साधना पूरी हो गई। लीला है, ठाकुर जी ने मां के हाथ पकड़ लिए तो मैया ने समझा लल्ला को भूख लगी है, दूध पिलाने लगी, तो ये पुत प्यारो के दूध प्यारो ना लाला मुझे पुत प्यारो, लेकिन चूल्हे पर दूध उफनते हुए देखकर ठाकुर को स्तनपान कर रहे थे, उनको हटा करके अलग करके दौड़ करके चूल्हे पर दूध को संभालने उतारने गई तो ठाकुर को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और ठाकुर ने अपनी लीला शुरू कर दी, सारे मटके फोड़ दिए और उठा 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 करके पटक 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 करके दधिमा कंसारे फोड़ दिए। अब यहां बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ी सुंदर छवि है, मैया छड़ी लेकर के दौड़ती हैं, निगमने शिव अंत न पावा ताही धरे भजन भी लोग आते हैं कि मारुमती मैया बचन भरवाइले, मारुमती मैया बचन भरवाइले, मारुमती मैया बचन भरवाइले, मारुमती मैया बचन भरवाइले, सौगंध खवाइले, बचन भरवाइले, सौगंध खवाइले, ठाकुर जी को मैया छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ा रही है। ठाकुर जी ने कहा मैया ये छड़ी फेंक दे। अब भाव इसमें बहुत है, बहुत तरह के भाव देते हैं संत, उसकी व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी पकड़े गए हैं, ठाकुर को मैया ने ठाकुर की कृपा से, ठाकुर की सहमति से, ठाकुर की दया से मैया ने ठाकुर को पकड़ा है, बांधना चाहती हैं, रस्सी दो अंगुल छोटी हो जाती है, इसके भी संतों ने बहुत भाव बताए हैं। अंत में प्रेम की ऐसी ताकत है, मैंने कल निवेदन किया था कि जब व्यास जी ने भीष्म स्तुति का जो प्रसंग है वहां लिखा कि जावत इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षता, मैंने निवेदन किया कि ये कोई तपस्या का बल नहीं हो सकता,
ये भक्त का भक्ति का बल हो सकता है। मैया छड़ी लेकर ठाकुर को दौड़ा रही है, ये तपस्या का बल नहीं है, मैया की भक्ति का बल है। उखल बंधन हुआ है और जमला अर्जुन का उद्धार हुआ है। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयो स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवन्तु मुना। जमलार्जुन का उद्धार हुआ है और इसके बाद प्रस्ताव भी वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सीएमजी की बैठक हुई। उपनंद जी ने उसकी अध्यक्षता की और कहा गया भाई बहुत उपद्रव हो रहे हैं, अब यहाँ गोकुल से कहीं अन्यत्र चला जाए। तो सर्वसम्मत से प्रस्ताव आ गया और यहाँ बड़ा अच्छा भजन बन वृंदावन जाने का। मोही लागे वृंदावन नी कोरे अले लागे वृंदावन वृंदावन नी को मोही लागे वृंदावन लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को रे आली दर्शन गोविंद जी को आली रे ओ रे लागे वृंदावन नी को लागे वृंदावन लागे वृंदावन नी को कुंजन कुंजन फिर राधिका कुंजन कुंजन फिर राधिका सब्द सुनत मुरीदी को रे आली सब्द सुनत मुरीदी को आली रे वृंदावन नी को रे आली लागे वृंदावन को लागे वृंदावन नी को रे लागे वृंदावन लागे वृंदावन नी को रे लागे वृंदावन लागे वृंदावन लागे वृंदावन। ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन धाम हर रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा मत समझो गुड़ को थीला जब वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को थीला या मेरी सी मुनि गे हारे रटे जा राधे राधे या मेरी सी मुनि गे हारे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन जपे जा राधे राधे
वत्साचरण का मौसम आया, समय आया, वत्साचरण करने चले हुए भगवान। वत्साचरण करते हुए वृत्रासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, बकासुर आदि का उद्धार किया। अघासुर वध की कहानी तो एक साल बाद ग्वाल वालों ने आकर के घर में बताई। परीक्षित ने पूछा, महाराज एक साल बाद क्यों? तो ब्रह्मा के मोह की कथा सुनाई। टाइम का डिफरेंस है ना ब्रह्मलोक में और पृथ्वी लोक उन्नति लोक। बिभ्रद वेणु जठर पटयो सिंह मामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगरीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिषुहृदे आसयन् नर्मभीष्टये स्वर्गे लोके विशति विभुजे यज्ञभुग्भालके। भगवान लीला कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, वत्साचरण कर रहे हैं। बाल गोपाल जितने ग्वाले हैं, जितने उनके सहयोगी हैं, मित्र हैं, सब अपने अपने घर से खाने का कलेवा लेकर के आते हैं। चारों तरफ से बाल गोपाल बैठे हैं, बीच में भगवान बैठे हैं और ठाकुर जी किस तरह से हाथ में दधी भात ले रखकर के, दधी है भात है, अंगुलियों में फंसा हुआ अचार है, लेकर के खा रहे हैं। ग्वाल वालों का जूठा भी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको मोह हो गया। ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये ठाकुर कैसे हो सकता, ये भगवान कैसे हो सकता, विधि निषेध का पालन भी नहीं, ये झूठा खा रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, जरा देखना चाहिए कि ब्रह्म ये ठाकुर है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को, सारी गायों को उठा लिया, ले जाकर रख दिया ब्रह्मलोक में। ठाकुर जी जब खोजने चले तो इधर गाल बालों को भी उठाकर ले जाकर के रख दिया। ठाकुर जी सब समझ गए। जब समझ गए तो उन्होंने अपने को अपना विस्तार किया और जितने बछड़े थे, जितनी गायें थीं, जितने ग्वाल बाल थे, जिनका जो रंग था, जो रूप था, जो स्वभाव था, जो संस्कार था, जैसा विचार था, हर तरह से हूबहू लाखों लाखों गायें, लाखों लाखों बछड़े, लाखों लाखों ग्वाल बोकाल सब ठाकुर जी बन गए। यहां तक कि उनके वस्त्र भी बन गए, उनकी लकुटी भी बन गए, उसकी कंबली भी बन गए, सब कुछ, मतलब पूरा फॉर्म भी और पूरा कंटेंट भी, बाहर का आवरण भी और अंदर से भी, जो जैसे स्वभाव के थे उसी स्वभाव के ठाकुर जी के ठाकुर जी अपने को बना लिया। मुह्यंती यत सू
आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो फिर वैसे ही मजमा लगा हुआ है, सारी गायें भी हैं, सारे बछड़े भी हैं, सारे गाल भी हैं, गोपाल भी हैं, भागे भागे उधर गए, देखा वहां भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी देखा, वहां भी देखा, फिर वहां भी देखा, यहाँ भी देखा, भगवान को देखे। कहते ठाकुर जी ने उनको मजा चखाने के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का वेश बना करके प्रवेश किया। द्वारपालों से कहा कि एक बहुरूपिया हमारा ही वेश बना करके आएगा, उसको इंद्र मत जाने देना, जाकर ब्रह्मा जी की कुर्सी पर विराजमान हो गए। ये सब सीखे हैं गुरु जी का सुन सुनकर। ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपालों ने कहा रे महाराज आप कहां जा रहे हो, हमें पता है आप बहुरूपिया हो, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने पहले से बता के रखा है कि बहुरूपिया आने वाला है, आपको मंदिर नहीं जाने देंगे। ब्रह्मा जी समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखो आप जाकर के अपने ब्रह्मा जी से कहो कि हमको दो मिनट के लिए मिलना है, एक क्षण के लिए मिलना है, हमको जरा दर्शन करना है। भीतर बैठे हुए भगवान ने कहा अच्छा बुला लाओ। गए हैं जाकर के क्षमा मांगी है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। इस प्रकार यह लीला एक वर्ष तक चली है। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा है, बहुत सुंदर स्तुति की है। भगवान ने गोपालक बनकर गोचारण अब करना शुरू किया, धेनुकासुर का उद्धार किया, कालियानाग का उद्धार का, कालियानाग के उद्धार की कथा भी है आगे। सुख जी कहते हैं अभी लोग के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा ही तस्याशुद्धीमन्निच्छन् सर्पं तं दवासयत्। जिस कालियानाग ने यमुना के उस जल को दूषित कर रखा था, विष जहर से दूषित कर रखा था, तो उस जगह को मुक्त करना था, तो भगवान ने उसकी भी लीला की है। उस दिन दाऊ जी नहीं हैं और बाकी ग्वाल बाल तो हैं, तो जाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ करके और यमुना में वो कालियादह में छलांग लगाई है। नाग पत्नियों ने कहा है कि अभी सो रहे हैं कालिया नाग, जग जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, भागो। भगवान ने कहा कि नहीं जगाओ, मैं उन्हीं के लिए आया हूं। कालिया नाग जाग गए हैं, भगवान को अपनी पूंछ में समेटा है, भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया है, अपने को मुक्त किया है और उसके फणों पर चढ़ करके बहुत सुंदर नृत्य किया है। यहाँ एक बहुत सुंदर भजन आता है, तांडव गति तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर। पम 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 पग पटकत पम 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 फनने ऊपर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सन कादित नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव, बम 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 बल
बलहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचत दे तारी तांडव गति मुंडन पर नाचत सूर्यदास प्रभु की बाणी किम किम के न हुन जानी धन 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 चरण परत निर्भय भय हारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर नाचत गिर नाचत गिर नाचत गिर महाराज ऐसा दिव्य नृत्य हुआ है भगवान का और कालियानाग के फण पर जो भगवान ने नृत्य किया है पूरी तरह से लहूलुहान हो गया, लगा उसका प्राणांत हो जाएगा। नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है, न्यायो हि दंड कृतकिलशेषमिं तवावतारफलनिग्रहाय रिपोस्तानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमेवासं नाकभृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न साध्वपतं न योगसिद्धे पुनर्भवं वाञ्छन्ति यत्पादरज नाग पत्नियों की इस प्रार्थना से भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं कि प्रभु आपका तो जन्म ही हुआ है दुष्टों को दंडित करने के लिए। लेकिन प्रभु नाग पत्नियों ने इतनी सुंदर प्रार्थना की है, इतनी सुंदर स्तुति की है, लेकिन कालियानाग ने कहा तुम लोग जरा हटो, हमको भगवान से ये ठाकुर से हमको सीधा 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 संवाद करना है, हमें भी कुछ बातें करनी है। ठाकुर ने कहा बोलो। तो महाराज ये बताओ हमें बनाया किसने, इस सृष्टि को किसने बनाया। ठाकुर ने कहा हमने बनाया, यहां के तमाम जीवों को किसने बनाया। तो ठाकुर ने कहा हमने बनाया, तुम्हारा हमको किसने बनाया। कहा हम ही ने बनाया, तुम्हारा हमें स्वभाव किसने दिया। देखो हमारा तो सांप का स्वभाव ही होता है क्रोधी, तो मेरी कोई गलती नहीं है, आपने जैसा हमको बनाया हम वैसे ही हैं। देखो आज स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण मैं किसी श्लोक की व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। ये 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 ठाकुर बनाता सबको है, ठाकुर ने हमको बनाया, ठाकुर ने आपको बनाया, ठाकुर ने हवा बनाई, पानी बनाई, ठाकुर ने चांद बनाए, सूरज बनाए, ठाकुर ने सारी काया, ये कुदरत को बनाई। लेकिन ठाकुर ने हमको और आपको बनाया तो बनाने के पीछे विज्ञान है, ये स्वभाव ठाकुर ने नहीं दिया है। ये होशियारी मत करो कालियानाग, ये होशियारी नहीं चलेगी।
कि ठाकुर तुमने ये सृष्टि बनाई, तुमने ये पृथ्वी बनाई, तुमने ये ब्रह्मांड बनाया, तुमने ये 84 लाख जीवों को बनाया, और तुमने मुझे भी बनाया, और तुमने ही मेरा स्वभाव भी बनाया, तुमने ही मेरा संस्कार भी बनाया, तो जैसा बनाया वैसा हूं मैं। पाप रोज कर रहा हूं क्यों? ठाकुर तूने मुझे बनाया है ना, तो तूने पापी का स्वभाव दिया है, मैं पाप कर रहा हूं तो इसमें मेरा कहां दोष है? मैं हत्या कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, मैं डकैती कर रहा हूं, मैं और दुनिया के सारे जघन्य पाप कर रहा हूं, तो ठाकुर इसमें मेरी क्या गलती है? ठाकुर तूने जैसा बनाया वैसे मैं बन गया। देखो ये ठाकुर के साथ ठकुराई जो करेगा ना, उसकी गति नहीं होगी। जीव जो बना है ना, तुम्हारा जो स्वभाव बना है, तुम्हारा जो संस्कार बना है, और यहां तक मैं कहता हूं तुमको जो ये कलेवर मिला है, सांप का, बिच्छू का, गुजर का, हाथी का, सिंह का, या मनुष्य का, और मनुष्य में भी तुम गोरे हो, काले हो, लंगे हो, लुल्हे हो, अंधे हो, विकलांग हो, खूब सुंदर हो, जैसा भी तुमको रूप स्वरूप मिला है वो ठाकुर ने दिया तो है, लेकिन एक विज्ञान के तहत दिया है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसा तुमने कर्म किया ये स्वभाव कैसे बनता है? मैं बार बार एक बात को क्यों दोहराता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, जो किशोर हैं, जो जुआ, जो अपने लाइफ में इतने कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रेस, महाराज अपन को 20 साल की उम्र तक ये पता नहीं था तनाव किस चिड़िया का नाम है। और मेरा 12 साल का बच्चा बोलता था पापा बहुत टेंशन है, हमें बड़ा आश्चर्य होता था क्योंकि हम तो 25 साल तक नहीं जानते थे कि टेंशन क्या चीज होता है। गरीबी थी, अभाव था, सब कुछ था, लेकिन तनाव किस चिड़िया का नाम है, टेंशन किस चिड़िया का नाम है, स्ट्रेस किस चिड़िया का नाम है, फ्रस्ट्रेशन किस चिड़िया का नाम है, डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है, अपन को 25 साल की उम्र तक नहीं पता था, और ठाकुर जी की कृपा से आज तक नहीं उसका अनुभव है। दुख बहुत आए जीवन में, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हो कोटा, वहां जाकर के इंजीनियर बनेगा, आप डाटा निकाल के देखो राजस्थान में कोटा जाने वाले बच्चों में कितने आत्महत्या कर ले। लाइफ में फेल्योर को कैसे मैनेज करना है, सफलता का, उपलब्धि का प्रबंधन तो फिर भी आसान है, एक उदंडता आ सकती है, अहंकार आ सकता है, प्रबंधन तो उसका भी होना चाहिए, और उसका प्रबंधन करने का तरीका अध्यात्म है, भक्ति है, शरणागति है, और कुछ नहीं है। तो उपलब्धि का प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण है, उसी तरह से मेरे बच्चों, प्यारे भाइयों, ये जान जाओ कि जीवन में असफलता का प्रबंधन, मैनेजमेंट का फेल्योर, मैंने अनसक्सेसफुल, मैंने फेल्योर जब हो गए उसका मैनेजमेंट करना, असफलता का प्रबंधन करना, यह भी बहुत जरूरी है। ये नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, और उसकी अंतिम परिणति आत्महत्या में हो जाती है। महाराज क्यों कोई आत्महत्या करता है? मन में हम जो चाहते हैं वो मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, तो हताशा, निराशा, उसी की गहरी स्थिति है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और उसकी चरम परिणति है कि हताशा में ऐसा लगता है कि अब जीवन ही बेकार हो गया,
अरे तुम आईएएस नहीं बने तो जीवन बेकार हो गया। ठाकुर जी ने आईएएस बनाने के लिए और आईएएस बनने के लिए ये शरीर दिया था। ठाकुर आईपीएस नहीं बने तो जीवन बेकार हो गया, इसी के लिए ठाकुर जी ने शरीर दिया था। नौकरी अच्छी नहीं मिली तो जीवन बेकार हो गया, ठाकुर जी ने इसी के लिए शरीर दिया था। कोटा में जाकर के तुम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, करो, लेकिन तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, तो जिंदगी के सारे लक्ष्य, सारा उद्देश्य खत्म हो गया। अब शरीर रखने का कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी ने इसीलिए शरीर दिया था कि जाओ कोटा में और आईआईटी कंप्लीट नहीं कर पाओ तो शरीर का परित्याग कर देना। छी छी छी, ये ठाकुर जी ने शरीर आपको दिया अपने को जानने के लिए। ठाकुर के साथ ठकुराई कर रहा है कि आपने ही शरीर दिया है तो आपने ही स्वभाव भी दिया है। तो ठाकुर आपने शरीर दिया और आपने ही ने स्वभाव दिया तो अपने जो स्वभाव दिया उसके अनुसार मैं आचरण कर रहा हूं। अगर ये दर्शन सब कोई अगर अपना ले तो फिर दुनिया में क्या होगा। मैं पाप कर रहा हूं, खून कर रहा हूं, कत्ल कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, ठगी कर रहा हूं। अरे सुनो एक बात और ठाकुर जी, मेरे मन किसी को ठगने में आनंद नहीं है। अरे जो आनंद ठगे जाने में है वो दूसरे को ठगने में नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ठगा जाने में जो आनंद है वो ठगने में कहां है। ठगा जाइए, सब समझते रहिए और ठाकुर जी करते रहिए, उसमें जो आनंद है वो दूसरे को ठगने में नहीं है। कल्याण कहता है कि महाराज आपने ही स्वभाव दिया है, मेरा भी क्या दोष है, हमें ये दर्शन मान्य नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा हम जानते हैं, अपनी बात कोई नहीं कह रहा। सनातन में लॉ ऑफ कर्मा का कंसेप्ट है, तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करिरा जो जस करई सो तस फल पक्का साइंस है, एकदम ठोकी हुई बात महाराज। ये ऐसा साइंस, ऐसा सिद्धांत है जिसका कोई अपवाद है ही नहीं। एक ही अपवाद है कि गुरु जी कहते हैं कि ठाकुर का पोजीशन राष्ट्रपति की तरह है, और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा भी दे दी हो तो राष्ट्रपति वो सजा निरस्त कर सकता है, ठाकुर की वही। वो सब कुछ सर्वम कर्तुम अकर्तुम वो सक्षम है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सनातन का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब कर्म का फल उसको मिलना, उसमें जोड़ घटाव भी नहीं है कि अच्छा ज्यादा कर लिया थोड़ा बुरा कर लिया तो अच्छा में से बुरा को घटा दो बचा केवल अच्छा, नहीं, बुरा भी किया तो बुरा का भी फल भोगना होगा और अच्छा किया तो अच्छा का भी फल भोगना होगा। वहां ये गणित नहीं बैठा सकते
कि हमने 100 काम बुरे किए और 1000 अच्छे किए, तो आप 1000 में से 100 को घटा दो, 900 हमारे अच्छे काम बचे, इसका फल दे दो। ये नहीं, 1000 अच्छे किए तो उसका फल भोग लो, लेकिन 100 जो बुरे किए उसके लिए भी नरक में आपकी व्यवस्था है। कालियानाग बोलता है, महाराज आप ही का तो स्वभाव भी दिया हुआ है, तो कुछ हमसे अगर उदंडता हो भी गई, अरे तो भगवान इसके लिए दोषी हैं। हम ये बात गुरुजी बार बार रोज रोज बोलते हैं कि जो नौजवान अगर कहीं से सुन रहे हो तो उसके दिमाग में घुसे कि आज एक गलत कर रहे हो तो एक बात समझ जाओ, कोई भी कर्म कर रहे हो तो चित्त में उसकी स्मृति बन रही है और वही स्मृति संस्कार है, वही तुम्हारा स्वभाव हो जाएगी, उसी के हिसाब से तुम्हारा अगला विचार होगा, फिर अगला कर्म होगा, फिर उसकी स्मृति बनेगी, फिर उससे उसी तरह के संस्कार बनेंगे। तो ये बात याद रखो, इसलिए कुसंग में मत पड़ो, इसलिए नशा पान मत करो, इसलिए पश्चिम से इंटरनेट के माध्यम से जो पश्चिमी संस्कृति आयात होकर के हमारे यहाँ आ रही है और जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है, ऐसी चीजों को न देखो न सुनो। जो जो चिंतन करेंगे, जो जो बोलेंगे, जो जो सोचेंगे, जो जो काम करेंगे, उसकी चित्त में स्मृति बनेगी, वही संस्कार है, वही संस्कार हमारा स्वभाव बन जाता है और उसी स्वभाव के अनुसार हमारा अगला व्यवहार होता है। तो ठाकुर जी ने स्वभाव नहीं बनाया है, ठाकुर जी ने आपको कलेवर दिया और वो भी आपके कर्मों के हिसाब से दिया। अपने पाप की जिम्मेवारी ठाकुर जी पर मत कि सरकार मैं दिन रात पाप में डूबा हुआ हूं, दिन रात पाप कर रहा हूं, मेरी ऐसी ही बुद्धि है, इसमें मेरा क्या दोष है? ये बुद्धि तो आपने ही दी है। यही बताने के लिए शास्त्र हैं, जो विधि बताते हैं, निषेध बताते हैं, इसीलिए संगत की महिमा है। महाराज नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है और इस प्रकार कालियानाग ने भगवान की करुणा की प्रशंसा की, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वामन्यसे तद् विधेहिन। कुल मिला जुला करके यहाँ पर कालिया नाग ने शरणागति कबूल की है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर की शरणागति स्वीकार की। फिर 19वें अध्याय में देखिएगा तो दामानल की कथा है जिससे ब्रजवासियों की रक्षा की है ठाकुर जी ने। 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। 21वें अध्याय में अगर जाएंगे तो उसमें वेणुगीत का वर्णन है और 22वें अध्याय में चीरहरण लीला आती है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया है, चीरहरण की लीला भी थोड़ा विस्तार से है श्रीमद् भागवत में, किस तरह से गोपियां
कात्यायनी का व्रत करती हैं, रोज सुबह जा करके सरजू में स्नान करती हैं, वहां से पूजा करने को आती हैं, अपने वस्त्र बाहर रख करके निर्वस्त्र स्नान करती हैं। भगवान ने एक दिन उनके वस्त्र चुरा लिए, संवाद हुआ है, वस्त्र लौटाया है ठाकुर जी ने। 5-6 साल की बाल्यावस्था है, देखो तो चेतना के अनुसार ही आदमी किसी चीज को समझेगा। चीरहरण लीला को समझने के लिए, रास को समझने के लिए ये रजोगुणी लोग नहीं समझ सकते, ये तमोगुणी लोग नहीं समझते, नास्तिकों की तो बात छोड़ो, आस्तिकों में भी भगवान की लीला ही ऐसी है कि मुह्यंती यत सूरया सोई जान ही जेही देव जनाली जानत प्रभु कृपा कर रहूं यही भांति सब तज भजन कर रहूं दिन राति अब प्रभु कृपा कर रहूं यही भांति सब तज भजन कर रहूं दिन राति सोई जान भगवान की लीला को जानना भी बड़ा मुश्किल है। भगवान ने चीर वापस किए हैं, समझाया है, चीर वापस किया है, आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन यहां व्यास जी का एक श्लोक है, इसको कोई समझ ले, उसको पढ़ ले तो पूरी चीरहरण लीला का अर्थ समझ में आ जाए। क्योंकि चीरहरण लीला तो वस्तुतः आवरण भंग की लीला है। हमारी नजर केवल आवरण पर पड़ती है, हमारी नजर केवल फॉर्म पड़ती है, हमारी नजर केवल बाहरी जो रूप है उस पर पड़ती है, कंटेंट पर पड़ती ही नहीं। भगवान ने गोपियों से कहा कि सुनो गोपियों, जिन्होंने अपना मन प्राण मुझे समर्पित कर दिया है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों में ले जाने में समर्थ नहीं होती। जिन्होंने जिस जीव ने अपना मन और प्राण, मन और बुद्धि, अपना अंतःकरण, अपना चित्त, मयि बुद्ध्याधस्व
मयि मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय। जिस जीव ने अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना प्राण मुझे समर्पित कर दिया है, उस जीव के मन में अगर कोई कामना उठ गई, अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, इसकी व्याख्या एक घंटा लगे, लेकिन मैंने पहले ही बहुत विनम्रता से अनुरोध किया कि आज मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लेकिन अब ये इतना है इसमें, संकल्पो विदितः साधु भवतीनां न मय्यावेशित धियां कामः कामाय कल्पते भजिता क्वथिता धाना प्रायो बीजायते। जिस प्राणी ने, जिस जीव ने अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपने प्राण को, अपना सर्वस्व मुझे सच्चे अंतःकरण से समर्पित कर दिया, उनकी कामनाएं उन्हें संसार के भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं है, मेरे से मन मिल गया, भक्त का मन मेरा मन हो गया, मेरा मन भक्त का मन हो गया, एक साधना की, भक्ति की, एक चेतना का, एक भक्ति की, एक साधना का एक स्तर है जिसमें अपना मन गुरु के मन से मिल जाता है। गुरु क्या बोल रहा है हम समझ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, और गुरु के मन के अनुकूल ही हमारे मन में भाव उठेंगे, गुरु के मन के प्रतिकूल कोई भाव नहीं उठेगा। गुरु जो सोचेगा हम वो सोचेंगे, हम जो सोचेंगे वो गुरु सोचेगा। साधना का वही एक स्तर है कि ठाकुर के मन में भक्त का मन मिल जाता है, तो अब ठाकुर और भक्त दोनों दो रह ही नहीं जाते, राधा और कृष्ण दो हैं ही नहीं, गोपियां और कृष्ण दो हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। बाहर से कलेवर अलग दिखाई पड़ता है, फॉर्म अलग दिखाई पड़ता है, रूप अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतःकरण एक नहीं है। जो ठाकुर हैं वही राधा हैं, जो ठाकुर हैं वही गोपी हैं, जो गोपी हैं वही ठाकुर हैं। इसीलिए भगवान ने कहा अहम भक्तो पराधीनः। ये मन में मन मिलने का जो विज्ञान है ना, ये भक्त समझता है किस तरह से, लेकिन ये मन मिलेगा कैसे, सजातीय से ही सजातीय, विजातीय से विजातीय, सजातीय और विजातीय कमल, ये मन हम तो ईश्वर सजीव अविनाशी। सहजमल चेतन अंशी है ना, गारंटी है ना, शास्त्र कहता है ना, ये सनातन का सिद्धांत है, ये हम जानते हैं, इसमें कहीं विरोध नहीं है, हम उसी के अंश हैं। तो अगर हम उसी के अंश हैं तो वो तो सच्चिदानंद है, सतघन आनंद घन, चितघन आनंद घन, वो तो सतघन आनंद चितघन आनंद घन है, और हमारी क्या हालत है, न सहज है, न विमल है, न सुख राशि है, यहाँ तो बेचैनी ही बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, डिप्रेशन है, कोई दुख बर्दाश्त नहीं होता। हम ठाकुर के अंश हैं, अगर हम उस भगवान के अंश हैं तो वो तो आनंद का सिंधु है, और हम दुखी इतने क्यों हैं, इसलिए कि हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। भगवान ने अपने मुंह से कहा कि न मयावे सिद्धियां काम कामाय
पते भजिता पतिता धान प्रायो जायते। जिस जीव ने अपना मन अपनी बुद्धि अपना प्राण मुझे समर्पित कर दिया उसके मन में कदाचित कोई कामना भी उठे तो कामना सांसारिक भोगों को भोगों की तरफ ले जाने में समर्थ नहीं होगी। मतलब साधु मतलब संत मतलब भगवत प्राप्त जीव के मन में उठी कोई कामना उसको बांध नहीं सकती। अब उसको बांध नहीं सकती और हमारी कामना हमको बांधती है क्योंकि देह बुद्धि है हमारे अंदर ना। तो हमारी कामना लोक कल्याण के लिए नहीं है। संत की कामना जो होगी वो लोक कल्याण के लिए होगी। नारद की कामना नारद को नहीं बांध सकती। व्यास की सिद्धों की ऋषियों की महर्षियों की भगवत प्राप्त जीवों की कामना उनको नहीं बांध सकती। हमारी कामना मुझे उस फकीर की बात बार बार याद आती है। मैं आपको सुनाने के लिए नहीं मैं अपने को सुनाता हूँ अपने को याद करने के लिए कहता हूँ कि चाह चमारी चुकड़ी सब नीचों से नी मैं तो पूरन ब्रह्म था यदि चाह न होती। ये कामना ही संसार है और मन और है क्या बंडल ऑफ थॉट्स विचारों का प्रवाह। और योग में तो क्या कहा पतंजलि जी ने कि चित्त की जो वृत्तियां हैं जो विचारों का प्रवाह है वृत्तियों का जो प्रवाह है इसको निरुद्ध कर देना यही तो योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध। पूछा कैसे होगा तो अभ्यास वैराग्याभाम तन निरोध। बहुत कठिन साधना बताई योग में तो जम बताया नियम बताया आसन बताया प्राणायाम बताया प्रत्याहार बताया धारणा बताया ध्यान बताया समाधि बताई। मैं बराबर चर्चा करता रहता हूँ समाधि के कई स्तरों की चर्चा करता रहता हूँ। भक्ति में ये सब सध गया गोपियों को चीर हरण हुआ है आवरण भंग लीला है और गोपियों को सब कुछ मिल गया उसी दिन जो किसी परम योगी को मिलता है कर्म सिद्ध को मिलता है। और भगवान ने ये खुद अपने मुंह से घोषणा कर दी कि न मैयावेशितं धियां कामा कामाय कल्पते भजिता पथिता धानो प्रायो विजायनिष्यते। जिन्होंने अपना मन बुद्धि प्राण मुझे निवेदित कर दिया मुझे सच्चे मन से समर्पित कर दिया उनकी कोई कामना उन्हें संसार के भोगों में ले जाने में समर्थ नहीं होगी। तो दृष्टांत भी दिया कैसे तथाना प्रायो भी जाय नेश्यते। जैसे भुने चने के बीज से फिर कोई बीज या पौधा नहीं निकलेगा। देखो ये चीज निर्बीज समाधि की है जिसकी बात कर रहा हूं। सवितर्क समाधि निर्वितर्क समाधि सबीज समाधि निर्बीज समाधि के बाद जो कैवल्य होता है वो चीज यहां। गोपियों तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई तुम आने वाली शरद ऋतु में कि रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। जाता वलां ब्रजम सिद्धां मये मारस्यतं क्षपा यदुदिश्य व्रतमिदं चेरुरार्याचनं सते। बोली श्री मां के विहारी सरकार की।
ये चीरहरण लीला भी महाराज इसी व्रज धाम में हुई है, जिस व्रज धाम में बैठकर हम लोग कथा कर रहे हैं। महाराज ब्रज में तैयारी हो रही है, पूजे की पकवान बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं, चारों तरफ उत्साह है। और ठाकुर जी ने पूछा नंद बाबा से, ये इतना उत्साह का माहौल क्यों है, इतने उत्सव का माहौल क्या है, क्यों क्यों है, आज किसकी पूजा होने वाली है, बताया। लंबा संवाद है, यहां तक कि ब्रज में एक बहुत बड़ी सभा में प्रस्ताव पारित हुआ, विचार हुआ है और अंत में सर्वसम्मत से प्रस्ताव हुआ है कि जब कृष्ण कह रहे हैं इस बार गोवर्धन की पूजा हो तो गोवर्धन की ही पूजा होनी चाहिए, नंद जी से तो पहले पूछा था, इंद्रो मेगा क्यों करते हो, तो बताया देव वसंति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। भगवान ने कहा महाराज अगर आप ये मानते हो कि इंद्र के चलते और उनकी वर्षा के चलते ही जीवों की रक्षा और ब्रज का कल्याण हो रहता है, ये सही नहीं है। कर्मणा जायन्ते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव। यही बात मैं संकेत में कह रहा था, अब कहते हैं लोग कि अरे भगवान जो चाहेंगे वही न होगा, ये हुई है सोई बोलते हैं ना, लेकिन उसके नीचे वाली लाइन पर ध्यान नहीं देते हैं, रच के अपने से थोड़े रखते हैं, क्यों रच के रखते हैं, क्या रच के रखते हैं, उसका भी विज्ञान है और वही लॉ ऑफ कर्मा है कि हुई है सोई जो राम रच राखा का कई कर। जब ये चौपाई गाना तो ये भी जरूर गाना कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करै तो तस फल चाहा। ये भूल जाते हैं कर्म की एक गति। भगवान ने कहा कर्मणा जायन्ते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। सारी योजना ही बदल गई, कहां इंद्र की पारंपरिक ढंग से होने वाली पूजा जो ब्रजमंडल में होते आई है। देखो ठाकुर जी किसी का घमंड रहने नहीं देते, ये रजोगुण का जो अहंकार है ना वो ठाकुर से दूर कर, और जिस पर कृपा करनी होती है उसको थूर थूर करके थूर थूर करके थूर थूर करके
उसके रजोगुण के अहंकार को कुचल कुचल करके आदमी कितना छटपटाता है जब उसके अहंकार कोई सुनो 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 अगर आपको कोई बिला वजह मां बहन की गाली देते हैं आपको कोई 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 बिला वजह अपमानित कर दे हृदय जलने लगता है ये कलेजा जलने लगता है यहां टीस उठने लगती है यहां टीस उठने लगती है कलेजा जलने लगता है इसीलिए बताया क्षव कारुणिका साधु का तो अगर कोई अपमान कर दे और कलेजे में लहर उठ जाए कोई टीस पैदा हो जाए अपमान कर दे और चित्त विक्षिप्त हो जाए व्यग्र हो गया है कोई अपमान कर दे और हृदय में प्रतिशोध की आग जलने लगे आप समझ लो कि भगवत्ता आप में अभी उतरी नहीं है अभी ठाकुर ने उतनी कृपा नहीं की है इंद्र का भी मान मर्दन करना है तो ठाकुर ने कहा अब की तो गोवर्धन की पूजा होगी ठाकुर जी अपने पूजा कर रहे हैं और खुद ही प्रसाद भी पात रहे हैं छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से नारी है गोवर्धन गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन
सात कोशिकी परिक्रमा तेरी सात कोशिकी परिक्रमा तेरी सात कोशिकी परिक्रमा तेरी सात कोशिकी परिक्रमा और तेरी टोड़ी पे तेरी टोड़ी पे और टोड़ी पे हीरा आला तेरे माथे मुकुट महाराज का कथा के बहुत रसीली भी है और बहुत आनंदमय भी है। भगवान ने बड़ी लीला की है। इंद्र को अहंकार हुआ है और उन्होंने प्रलंकारी मेघों को भेजा है, ब्रज को डुबा देने का संकल्प है, लेकिन कृष्ण कृष्ण महाभागतनाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमरहस देवान् कोपिदान भक्तवत्सला। सात साल के हैं ठाकुर जी और अपने कनिष्ठ का अंगुल पर पूरे ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। बोले श्री ठाकुर वृंदावन बिहारी लाल की अब कोई एक भजन गाकर आज की कथा को ही विश्राम करेंगे। नक पर गिर बरली नो धारे कनिया मेरो बारो नक पर गिर बरली नो धारे कनिया मेरो बारो कनिया मेरो बारो नंदलाला मेरो प्यारो कनिया मेरो बारो नंदलाला मेरो को आज मैं व्यास पीठ पर बैठने लायक नहीं था, लेकिन आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। उन्होंने आज बैठा करके और टूटी भूसी बाता में कथा करवा ली। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ हमारे परम आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर शास्त्री जी महाराज, जो मेरे जैसे बालक की टूटी फूटी भाषा में कहने वाली कथा को, भगवान के गुणगान को अपना
कृपा पूर्वक अपना 3 घंटा 4 घंटा समय देकर प्रतिदिन सुनते हैं, और उन्हीं की एक कृपा है कि उन्हीं की एक महिमा है, उन्हीं का प्रभाव है कि जिसके कारण ऐसे ऐसे दिव्य संत भी आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हम संतों की वाणी सुनेंगे, इनका आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। पराशर अध्यात्म पीठ के इस आध्यात्मिक वातावरण में परम पूज्य विद्यावाचस्पति डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पराशर शास्त्री जी महाराज की गरिमामय उपस्थिति में हम सभी लोग भाई श्री गुप्तेश्वर जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आज जैसा कि महाराज श्री ने बताया भी कि वे अस्वस्थ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, जबकि 3-3 इंजेक्शन लगवा के आए हैं, इसके बावजूद भी ऐसी सुमधुर कथा हम लोगों को रसपान करा रहे हैं। हम सब लोग आपको नमन करते हैं। आज बड़े ही आनंद का अवसर है, हम सबके मध्य में पुराणाचार्य जी डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हुए हैं। हम सब लोग जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करते हैं। एवं महाराज श्री के बगल में ही भागवताचार्य पूज्य पंडित श्री अशोक शास्त्री जी महाराज भी विद्यमान हैं। हम लोग उनका भी स्वागत करते हैं। पीताम्बर जी से आग्रह है कि वे माल्यार्पण करके महाराज श्री का स्वागत करेंगे, और उसके पश्चात हम लोग उनकी वाणी का लाभ लेंगे। आशीर्वचन के क्रम में सर्वप्रथम हम आग्रह करेंगे पंडित श्री अशोक शास्त्री जी महाराज से कि वे अपने मंगलमय वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। श्यामावदातम् अरुणाग्रनेत्रम् प्रसन्नवक्त्रम् स्वजनैकजीवनम् श्रीवत्सचिह्नं गलकौस्तुभं भजे श्रीमन्मुकुन्दं प्रणतार्तिनाशनम् सुदर्शन महाज्वाल कोटिसूर्य समप्रभा अज्ञानिति मीरांधाना विष्णु मार्गं प्रदर्शे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत बेन सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभ बाल की लाड़े
मेरी ओर निहार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परात्पर परम अखिलेश्वर अनंत गुणगुण निलय प्राणाधार प्राणेश्वर युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान की बिहारी स्थली लीला स्थली सभी आचार्यों की एवं रसकों की भजन स्थली भक्तों की भावस्थली ब्रज गोपिकाओं की प्रेम स्थली ऐसे श्री धाम वृंदावन में चैतन्य विहार पार्ट प्रथम चरण और दूसरे चरण दोनों ही चरण लगे हुए हैं। एक चरण से काम नहीं चलेगा इसलिए पाराशर जी ने कहा बोले दो चरण का दोनों से ही चला जा सकता है। हम पहले में रहते हैं इसलिए पहले का ज़्यादा ध्यान रहता है। अब दूसरे में आने में थोड़ा समय लगेगा, 3 महीने बाद शायद इधर आ जाएंगे। प्यार से बोलेंगे जय श्री। ऐसी आध्यात्म पीठ में श्रीमद् भागवत की गंगा प्रवाहित हो रही है। बड़े ही भाव के साथ बड़ी सहजता के साथ और ऐसा लग रहा है कि स्वांत सुखाय का अनुभव करते हुए अपनी वाणी से गोविंद का गुणानुवाद गा रहे व्यास गति पर विराजमान श्रद्धे श्री भाई श्री गुप्तेश्वर जी महाराज जिनको पावन सानिध्य मिल रहा है। हमारे परम आत्मीय परम मित्र श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी आज उसी श्रृंखला में आशीर्वाद देने पधारे हैं। पुराणाचार्य डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज एवं हमारे परम प्रिय मित्र श्री श्री राम मुद्गल जी महाराज एवं समस्त संगीत के साधक बहुत सुंदर तरीके से आप स्वर लहरियों के साथ बहुत अच्छी तरह साधते हुए कितना सुंदर आनंद प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसी पावन कथा यहाँ चल रही है। गोवर्धन की पावन लीला का गुणानुवाद पांडे जी महाराज गा रहे थे। आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए गोवर्धन के चरणों में हाजिरी लगाती हुई। यहाँ तो गोवर्धन भगवान का नाम ही ले लो तो ही कथा पूर्ण हो जाती है। बोले कि राज महाराज की गोवर्धन भगवान का स्मरण करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है और यमुना महारानी के स्मरण करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। गोवर्धन नाथ कौन है, गोवर्धन नाथ कैसे यहाँ आए, गोवर्धन की पूजा कैसे हुई, इसी पर्वत की पूजा क्यों हुई, ये तो कथा विस्तार से है। लेकिन इस वृंदावन की पावन भूमि पर बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं क्योंकि रसकों की भूमि है। यहां जितने भी भागवत के प्रसंग हैं अद्वैतवादी अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए व्याख्या करता है। द्वैताद्वैतवादी अपने सिद्धांत का प्रस्थान सिद्धांत का पालन करते हुए व्याख्या करता है। तो ये वृंदावन की रसमयी भूमि है इसलिए यहाँ के रसकों ने जो व्याख्या की है उसका लाभ लेना चाहिए और वह भी बड़ी प्रमाणित है और सारगर्भित है। गोवर्धन नाथ का जो स्वरूप है वो घनीभूत है। जिसने अपने प्रेम को एकत्रित कर लिया वो गोवर्धन बन गए
और जिन्होंने अपने प्रेम को पिघला दिया वो श्री यमुना महारानी बन गई। तो ये एकत्रित कैसे हुआ प्रेम? जब गोलोक में दिव्य रास लीला हो रही थी, प्रिया प्रीतम का दिव्य रास हो रहा था, सखियां जिस रास को देखकर बड़े आनंदित हो रही थी, बड़ी प्रमोदित हो रही थी, बड़ी भाव विवल हो रही थी, बड़ा आनंद का अनुभव कर रही थी। जब प्रिया प्रीतम का दिव्य रास हुआ तो गलबैया डाल के जब थता थैया करके नृत्य कियो जावे, बासों में अनेक जो ताल की परण होती हैं वो लगाई जाती हैं, उनके अनुसार जब चला जाता है तो गति बड़ी तीव्र होती है। गति तीव्र होती है तो परिश्रम होता है, जब परिश्रम होता है तो श्वेत के बिंदु भी कपोलों पर आ जाते हैं। रास जब विश्राम हुआ उस समय गोपियों ने निवेदन किया कि हमने तो साक्षात आज आपके दिव्य रास नृत्य का आनंद प्राप्त किया है, लेकिन कलयुग के जीवों को भी ये आनंद प्राप्त हो, उनको भी ये प्रेम प्राप्त हो, आप कुछ ऐसा विचार कीजिए। बोले उनको भी लाभ प्राप्त हो जाए। तो जो हमारे राधा कृष्ण के कपोलों पर परिश्रम के बिंदु जम गए थे, वही घनीभूत हो गए, वो जो घनीभूत हुए वो तो गिरिराज जी बन गए, और जम के जो पिघल गए वही श्री यमुना महारानी बन गई। इसलिए आज भी गोवर्धन नाथ की तरेटी में कितने संत रहते हैं, आहा, तरेटी गोवर्धन की रही है। रहने के लिए कोई प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई स्थान है तो वो गोवर्धन है, जहां जहां यमुना है बहती है वो स्थान है। हमारे ब्रज में यमुना जी बहती है, एक यमुना जी तो कलिंद पर्वत से आती है वो कालिंदी है, लेकिन जो वृंदावन में यमुना बहती है वो तो मेरे श्री कृष्ण के वक्षस्थल से निकली हुई यमुना जी है। जो कृष्ण के वक्षस्थल से निकली है वो कितनी प्रेममयी होगी विचार कीजिए। तो ये तो प्रेम की भूमि है, और गुप्तेश्वर जी कथा कर रहे हैं तो गुप्त चीज को ही तो प्रकट करने के लिए भागवत करने बैठे हैं ना, है ना। स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे, एकी भूतम गुप्त वित्त श्रुति नाम, श्रुतियों का जो गुप्त वित्त है वो कौन है? वो तो श्री कृष्ण ही है। भागवत के माध्यम से उसको प्रकट करने के लिए गुप्तेश्वर जी कथा करने आए हैं। इसलिए ये प्रेम तो यही मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि आपकी बुद्धि में प्रेम बैठ गया है, जैसे धनवान की बुद्धि में धन बैठ जाता है, बच्चे की बुद्धि में कीड़ा बैठ जाती है, व्यापारी की बुद्धि में व्यापार बैठ जाता है, राजनेता की बुद्धि में राजनीति बैठ जाती है, जिसकी बुद्धि में प्रेम बैठ गया है, जब समझ प्रेम में डूब गई तब क्या होगा समझाने से? फिर तो लगता है कि रिटायरमेंट पहले ही ले लेना चाहिए, अब ज्यादा समझ की आवत नहीं है, क्योंकि बुद्धि अब तो प्रेम में डूब गई है। इसलिए आज भी एक भारती अरोड़ा हरियाणा के जो आईजी हैं, आज उन्होंने दिया है अपना 10 साल पहले रिटायरमेंट लेना चाह रही है, उनकी बुद्धि भी वृंदावन के प्रेम में डूब गई है। जब प्रेम समझ प्रेम में डूब गई तब क्या होगा समझाने से? अन्य बातें फिर समझ में नहीं आती हैं, फिर तो फिर प्रेम में डूबते चले जाओ, वो जितने डूबते जाएंगे उतना ही हाँ उस रस का अनुभव करते जाएंगे, फिर क्या होगा? बोल एक दिन प्रेम रंग लाएगा। गुप्तेश्वर जी महाराज एक दिन प्रेम रंग लाएगा। कैसा प्रेम? जिसके सामने हाथ जोड़कर वो कृष्ण कहेगा, ना पार ये हम निर्वज्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विविधायुषा विवा यम मा वजम दुजर गृह श्रृंखला संभ्रश्य तदवा प्रतियातु साधुना। हाथ जोड़कर कह रहा है मैं तुम्हारा ऋणी हूं। एक दिन प्रेम रंग लाएगा, ऐसा प्रेम प्रिय तुमको भी तड़फाएगा। एक दिन प्रेम रंग लाएगा, प्रिय तुमको भी तड़फाएगा। हमारा प्रेम एक दिन तुमको भी व्याकुल कर देगा। प्रेम तो वो होना चाहिए
भक्त तो व्याकुल होता ही है, लेकिन भगवान भी जिसके लिए व्याकुल हो जाए वास्तव में वही प्रेम होता है। एक दिन प्रेम रंग लाएगा, प्रिय तुमको भी तड़फाएगा। क्यों? क्योंकि हम हैं सखी किशोरी जी की, ना तो मम बरसाने से, हम राधा रानी की सखी हैं। इसलिए ब्रजवासी डंके की चोट पर कहते हम राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसिया से बोलत अटपटी वाणी। लेकिन गुप्तेश्वर जी ये भाव कब आएगा? ये भाव तभी आएगा जैसे भोले बाबा राधा राधा करते मान सरोवर में पहुंच गए और डुबकी लगाते ही गोपेश्वर बन गए, गुप्तेश्वर और गोपेश्वर। सखी हो प्रेम रंग रंगी, इस रंग में रंगना पड़ेगा। इसमें दार्शनिक सिद्धांत है, यहाँ के कुंडों में ये वैसे ही नहीं है, चाहे मान सरोवर हो, चाहे कुसुम सरोवर हो, चाहे चंद्र सरोवर हो, इनमें सब में दार्शनिक सिद्धांत है। शंकर जी ने डुबकी लगाई और भोले बाबा गोपी बन गए और रास में प्रवेश हो गया भैया। इसलिए सखी भाव को धारण करके ही श्री धाम वृंदावन में आश्रय लेके इस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। भागवतो सम्राट पुराण प्रभु, ये तो सम्राट है, सम्राट के सामने तो केवल हाजिरी ही लगाई जा सकती है, क्या सामर्थ्य है। लेकिन हम लोगों की बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है, पुलिस डिपार्टमेंट में जिन्होंने सेवा दी आज, क्योंकि पहले से जिनके भाव बने हुए होंगे निश्चित रूप से, मुझे लगता है संतों का संग जिनको अवश्य प्राप्त हुआ होगा, उनका आत्मबल निरंतर बढ़ता रहा होगा, जिसके कारण आज अध्यात्म के माध्यम से, भागवत के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। और पहला प्रयास भी अध्यात्म पीठ से हुआ है, निर्माण मोहा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम अधिआत्म, उसका आनंद लेने के लिए तो अध्यात्म में ही जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा चुनाव किया आपने कि अध्यात्म पीठ में ही आपने प्रारंभ की कथा, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और ऐसे ही भागवत की कथा से अध्यात्म जगत की सेवा करते अपने जीवन को धन्य बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, बोले भागवत भगवान की जय। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की। पूज्य महाराज श्री ने बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण शब्दों में हम सबको अनुग्रहित किया, और अब हम पुराणाचार्य पूज्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी से निवेदन करेंगे कि वे भी हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री, कृष्ण प्रियम कलिमलग्नम अनंतमीड्यम वृंदावनांत परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिम् गोवर्धनम् गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचि किम तस्य शेषम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए
नाशत विघ्न अनेक। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री मदभागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री मद श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वोच्च सत्ता के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत भगवान, हम उनको प्रणाम करें। व्यासपीठ पे विराजमान भाई श्री गुप्तेश्वर जी महाराज, उनको अभिनंदन करें। हमारे पास में विराजमान हमारे अनुज भागवत के अद्भुत व्याख्याता श्री अशोक शास्त्री जी महाराज, बहुत अद्भुत संयोग है कि सुयोग है या प्रकृति के बीच में पूर्व नियोजित है इनकी कथा। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भाई श्री गुप्तेश्वर जी की कथा सप्तम दिवसीय श्रीधाम वृंदावन में आयोजित, और वो भी हमारे अनुज डॉक्टर श्री श्याम सुंदर जी पाराशर जी की पीठ पे, पाराशर पीठ पे ये जो आयोजन है। और कमाल की बात ये है या कथा की विशेषता ये है कि जब स्वयं भागवत की कथा इनके द्वारा योग कक्षा बगल में लगाए के स्वयं डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर सुने, ये एक पक्ष है। पर शास्त्री जी यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सामने बैठ के स्वयं श्याम और राम दोनों कथा सुन रहे हो, श्री राम मुदगल। देखो अब आप यहां देखें, ये सही हो गए। ये आइंदा ऐसा है नहीं सके क्योंकि बीच में इनके कारिंदा हैं। ये चीज समझने की बातें हैं। और भाई श्री आपको एक बात और बताए दें, ये वो भूमि है जहां पे अव्यक्त व्यक्त भयो है, निरंजन अंजन को विषय बनो है, जो संसार जाकी गोदी में है वो यहां पे कोई की गोदी में बैठो भयो है। तो यहां पे आज गुप्तेश्वर भी प्रकट के है कि भागवत सुना रहे हैं। ये एक सुयोनियोजित परमात्मा की सृष्टि को विधान है जो आप कर रहे हैं। दिव्यता की बात यह है। अब देखो, हमने इनको YouTube पे जो पत्रकार ने इंटरव्यू लियो वो सुनो ऐसा स्पष्ट। पर शास्त्री जी कमाल की बात यह है कि वह द्वापर में या भूमि में जन्मो भयो प्रगट भयो, वो ईश्वर जो गुप्त व्यक्त। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा।